Good morning, class. How are you? I am fine. I am Kuldeep Singh, your computer teacher. Today, we will start our new session. Our new session, Stress Management and its Technique. Stress management and its techniques. In this chapter, first we learn about stress management. Our first topic is stress management. सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक है स्ट्रेस मैनेजमेंट. यहां पर हम स्ट्रेस मैनेजमेंट को टू टर्म्स में डिवाइड करेंगे. फर्स्ट होगी हमारी स्ट्रेस. What is stress? And second terms हमारी बन जाएगी management. यहां पर हमारी दो terms है. First है stress and second है हमारी management. तो first की बात करते हैं हम. पहले सबसे बात करेंगे हम management की और stress की. First हम बात करेंगे first point की stress की. What is stress? Stress क्या होता है, कैसे होता है. स्ट्रेस आप लोगों ने टर्म सुना होगा, स्ट्रेस, डिप्रेशन. अभी आप लोगों ने एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के बारे में सुना है कि वो डिप्रेशन में थे और उन्होंने सुसाइड कर लिया. तो डिप्रेस तो तब स्टार्ट होता है जब हमारा स्ट्रेस आता है. लेकिन स्ट्रेस क्या है? हमारी लाइफ में बहुत सारे इवेंट होते हैं. हमारी लाइफ में बहुत सारे इवेंट होते हैं. कौन कौन से होते हैं? इमोशंस होते हैं. हम कई बार बहुत हैप्पी होते हैं, खुशी होती है हमें. कई बार हम दुख होते हैं, दुखी हो जाते हैं. क्यों? ये हमारा कोई लॉस हो जाए, बिजनेस में लॉस हो गया, क्या होगा? दुखी होंगे? नहीं होंगे, हो जाएंगे ना. हमें कोई खुशी मिल जाए, कोई हमारा गोल था हमने वो अचीव कर लिया, उससे क्या होगा? हमें खुशी होगी. तो ये क्या था? हमारे लाइफ के इवेंट थे. हमारे लाइफ में ये इवेंट्स चलते रहते हैं. स्ट्रेस कैसे होता है? अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, हमारी क्लास में थ्री स्टूडेंट्स उन्होंने एग्जाम दिया. एग्जाम में फर्स्ट को आपको मिले 90% मार्क्स, सेकेंड को 60% मार्क्स और थर्ड को 33% मार्क्स, पासिंग मार्क्स ओनली. ठीक है, तो जो फर्स्ट है आपका, ये क्या होगा? हैप्पी होगा या नहीं होगा? हैप्पी होगा. सेकेंड जिसके 60% मार्क्स है, अगर उन्होंने मेहनत, उन्होंने हार्ड वर्क किया है तो वो होंगे सैड. और हार्डवर्क नहीं किया है तो क्या होगा? हैप्पी. इन्होंने कुछ किया भी नहीं और उनके 60% मार्क्स आ भी गए. 33% वाला इनके साथ कंडीशन है, अगर इन्होंने मेहनत की है ये तब भी दुखी होंगे, सैड होंगे, क्योंकि इन्होंने मेहनत की. और अगर इन्होंने मेहनत की है, नहीं भी की, अगर इन्होंने मेहनत की तो परेशान है, क्योंकि 30% मार्क्स है, 33, उससे कुछ होने वाला नहीं है, तो ये सैड हो गए. इसके बाद अगर उन्होंने मेहनत नहीं की तब भी वो सैड ही रहेंगे. सैड क्यों रहेंगे? क्योंकि उन्होंने पास हो गए, पास मार्किंग मिल गई लेकिन मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो सैड है. इससे क्या होगा? जो हैप्पी है वो तो खुश होगा. 60% वाला अगर
उन्होंने मेहनत की थी और वो सैड है तो क्या होगा, परेशान रहेंगे, परेशान होंगे नहीं होंगे, परेशान होंगे, परेशान होने के बाद वो क्या करेंगे, सोचते रहेंगे, थिंकिंग करेंगे, उसके बाद वो खाना पीना उनका इफेक्ट हो जाएगा, डेली लाइफ इफेक्ट होगी। अगर वो गेम खेलते हैं तो गेम इफेक्ट हो जाएगा, सारी चीजें उनकी इफेक्ट हो जाएगी। अगर वो हैप्पी है तो कोई दिक्कत नहीं है, उनका ऐसे ही रूटीन चलता रहेगा। लेकिन ये क्या होगा, ये तो परेशानी होगा ना, ये तो जिसको कहते हैं कि वो परेशान है, स्ट्रेस में आने लगा, धीरे धीरे परेशान होने लगा, इनकी डेली लाइफ इफेक्ट होने लगेगी, नहीं होगी, होने लगेगी। यही क्या है, जब ये डेली इफेक्ट होंगे, अगर ये अपने आप को कवर रिकवर नहीं करेंगे वहां से, स्ट्रेस परेशान होना शुरू हो जाएगा, इनका डेली लाइफ इफेक्ट होनी शुरू हो जाएगी, इनका फूड ईटिंग फूड जो है, प्लेइंग है, गेम्स है, वो इफेक्ट हो जाएंगे, तो ये क्या होगा, लॉस उठाएंगे, और लॉस उठाने की जहाँ पे वो परेशान होना शुरू कर देते हैं, फिर उनको और रात को नींद नहीं आती है, परेशानी में प्रॉब्लम होने लगती है, टेंशन लेते हैं, टेंशन होने लगती है, टेंशन से क्या होता है, वो बढ़ के स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर। थ्री स्टूडेंट्स, ठीक है, फिर से मैंने थ्री स्टूडेंट्स का एक एग्जाम्पल लिया, फर्स्ट के मार्क्स हैं आपके 60%, सेकंड के 60% और थर्ड 60%, ठीक है। अब यहां हम देखेंगे बिहेवियर चेंजिंग, कैसे बिहेव चेंजिंग होता है हमारा। फर्स्ट है आपका 60% मार्क्स के साथ क्या होगा, उसके 60% मार्क्स है, उन्होंने मेहनत की थी, उसको एक्सपेक्टेशन थी हमारी 90% की, एक्सपेक्टेशन मैंने सोचा था, मैंने मेहनत की थी कि मेरे मार्क्स जो आएंगे वो 90% आने चाहिए, लेकिन आए कितने, 60%, 60% आए, तब उनका क्या होगा, वो सैड हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने मेहनत की थी, मेहनत की थी, सैड हो गए। सेकंड 60%, उन्होंने मेहनत की थी 50% की, 60% की, तो वो क्या होगा, वो नॉर्मल रहेंगे, नॉर्मल रहेंगे ना। थर्ड पर्सन, जो थर्ड स्टूडेंट है, उसने मेहनत की थी 30%, उन्होंने कैसी की थी, उन्होंने एक्सपेक्टेशन की थी 30-40% की, लेकिन उनके आ गए 60%, वो हुए, वो हैप्पी होंगे, क्योंकि उन्होंने तो मेहनत से ज्यादा मिल गया, तो वो हैप्पी होंगे, नहीं होंगे तो, लेकिन जो हैप्पी है वो तो हैप्पी है, नॉर्मल है, उसकी भी डेली लाइफ नॉर्मल रहेगी, ये हैप्पी है, इसकी डेली लाइफ कैसे गुजरेगी, नॉर्मल, ये वाला ये भी नॉर्मल रहेगा, लेकिन जो ये सैड है, इसमें भी तीन कैटेगरीज होंगी, इन कैटेगरीज कौन सी होंगी, सैड वाले के जो ठीक है, वो सोचेगा मेरे कितने परसेंट आए हैं, 60% आए हैं, एक्सपेक्टेशन 90% की थी, तो वो क्या करेगा, हार्ड वर्क करेगा, नेक्स्ट टाइम वो सोचेगा मुझे और नेक्स्ट टाइम हार्ड वर्क करना है, मेरी कोई जो मैंने वर्क किया था उसमें कोई कमी थी, तो मैंने इतने मार्क्स नहीं आए, तो मैं और क्या करूं ना, आगे और मेहनत करूंगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड कौन सा आता है, सेकंड कहता है थोड़ा सैड हुआ, थोड़ा सैड हुआ, एंड सोचेगा बाद में रिकवर कर लेगा, रिकवर कर लेगा, मैं सोचूंगा मैं और मेहनत करूंगा इस बार, और मैं अपनी और अच्छे मार्क्स लाऊंगा, ठीक। थर्ड पर्सन, थर्ड जो आएगा आपका, वो सैड रहेगा, सैड रहेगा। ये जो सेकंड पर्सन थे, सेकंड वाला स्टूडेंट, इस कैटेगरी में सेकंड कैटेगरी जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने क्या किया, एक दो दिन खाना नहीं खाया, एक दो दिन नहीं सोए, कोई बात नहीं, लेकिन जो थर्ड था, जो कि सैड था, वो परेशान हो गया, बहुत ही परेशान हो गया, क्या किया उसका, क्या किया जाए, वो परेशान होने लगा, रात को नींद नहीं आने लगी, टेंशन में इतने ज्यादा हो गया, कैसे होगा फिर, रात को नींद नहीं आई, खाना पीना छोड़ दिया, खेलना छोड़ दिया, बाहर जाना छोड़ दिया, बातें करना छोड़ दिया फैमिली से, वो क्या होगा, वो आपका पहले कंडीशन, क्योंकि उनको एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी, तो वो कहां पे, कौन सी कंडीशन चले जाएंगे, वो चले जाएंगे स्ट्रेस वाली कंडीशन में, ठीक है।
जब वो स्ट्रेस वाले कंडीशन में चले जाएंगे उससे वो फिर परेशान होने लगते, परेशान होगा स्ट्रेस से। जब वो परेशान होने लगा स्ट्रेस से तो उसके क्या होगा, बॉडी इफेक्ट। सबसे पहले वो करता है बॉडी इफेक्ट। बॉडी इफेक्ट कैसे करता है, बॉडी बेकार होने लगती है, रात को नींद नहीं आई। जब आप रात को सोओगे नहीं, प्रॉपर नींद नहीं लोगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगी नहीं होगी, प्रॉब्लम हो जाएगी ना। ये होता है आपका बॉडी इफेक्ट, आपकी हेल्थ खराब होने लगेगी। हेल्थ इफेक्ट हो जाएगी आपकी डेली लाइफ क्या होगा, आपका डेली लाइफ इफेक्ट होने लगेगी। जो आपको वर्किंग करनी थी आप वो वर्क नहीं कर पाओगे, जब आप वो वर्क नहीं कर पाओगे तो डेली एफिशिएंसी आपकी बेकार हो जाएगी। तो वो यहाँ पर स्ट्रेस ये सारी चीजें आपकी इफेक्ट कर देते हैं। कॉजेस क्या हो गया, आप अपने एक्सपेक्टेशन को अचीव की थी उसमें आप फेल हो गए, आपने कुछ सोचा था, अच्छा सोचा था, वो आप नहीं कर पाए तो वो क्या होगा, आप उससे परेशान होने लगे, आपको ट्रेड हो जाए, डेंजरस सिचुएशन हो जाए। ये सब क्या है, आपके स्ट्रेस के पॉइंट्स होने लगते हैं। इन वजह से आपकी स्ट्रेस आने लगता है। इफेक्ट क्या होती है, हमारी बॉडी हेल्थ डेली लाइफ हमारी इफेक्ट होने लगती है, फैमिली इफेक्ट होने लगती है, जिससे हम प्रॉब्लम में आ जाते हैं। ओके, अब बात करता हूं मैं मैनेजमेंट। सेकेंड पॉइंट है हमारा मैनेजमेंट होता क्या है, मैनेज करना तो मैनेजमेंट, मैनेज से तो हमारा मैनेजमेंट बना है। किसी चीज को हम कैसे मैनेज करते हैं उसी से हमारा बनता है मैनेजमेंट। इसमें मैनेजमेंट में हमें क्या करना है, जो हमारा स्ट्रेस, मान लिया कोई पर्सन आपका स्ट्रेस में चला जाता है तो उसकी डेली लाइफ को कैसे मैनेज करना है, उसको अपने आप को कैसे मैनेज करना है कि वो उस स्ट्रेस से बाहर आ जाए, यही इसका स्ट्रेस मैनेजमेंट का पर्पज है हमारा। ठीक है, क्लियर है आई थिंक ऑल ऑफ यू। ओके, थैंक यू।